Hello students, so again we are here. So we're going to start with we have end up with in the last session humne spermatogenesis ka and the gametogenesis we have started with and spermatogenesis ka hum logo ne start kar diya tha. Ab spermatogenesis mein bachche hum logo ne pura sperm ka formation and the hormones involved in that we have covered. Ab hum log baat karte hain not in the brief, we are just going to talk about the स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है. अगर क्वेश्चन आ जाता है गैमेटोजेनेसिस एंड द स्पर्मेटोजेनेसिस देन यू आर गोइंग टू राइट ओनली दैट मच पार्ट. यू आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, द हेड बॉडी, द माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट दैट इज देयर इन योर एनसीईआरटी फॉर दैट पार्ट. यू आर जस्ट गोइंग टू मेंशन दैट स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्राइमरी स्पर्मेटोजाइन एंड ऑल दैट थ्योरी, नथिंग मोर देन दैट विद टू डायग्राम, दैट इज वन इज योर फ्लो चार्ट एंड अनदर इज योर सर्टोलि सेल डायग्राम दैट वी हैव मेंशन. Okay, so now we are going to start with the structure of sperm. Okay, okay, this is how you'll have the structure of sperm. This is the sperm head. Okay, this is the sperm head. You have the center body and you have the tail. स्पर्म का एक हेड, उसकी टेल, यू हैव द सेंटर बॉडी. लाइक दो स्ट्रक्चर्स यू विल हैव, इन बिटवीन यू विल हैव द न्यूक्लियस. ओके, देन अगेन यू विल हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग एंड देन स्टार्ट लेबलिंग फर्स्ट. दिस पार्ट बच्चे इसको आप बोलोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है ना, नॉट द इनसाइड वन, द आउटसाइड, दिस ये वाला. ठीक है, इसको यू आर गोइंग टू लेबल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, उसके बाद जो ये आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, दिस पार्ट ओनली, दिस यू आर गोइंग टू मेंशन द दैट कैप लाइक स्ट्रक्चर. इसको बच्चे बोलोगे, जो मैंने पूरा ये गोला निशान लगाया है रादर, ठीक है, दिस, ये थोड़ा सेपरेट कर देती हूँ, ये जो गोला मैंने निशान लगाया दैट कैप लाइक स्ट्रक्चर, यू कॉल्ड इट एज एक्रोसोम, और यू कॉल्ड इट एज अ एक्रोसोम. ठीक है, दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर द इनसाइड. ठीक है, दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर, देन यू विल हैव न्यूक्लियस, यू विल कंटेनिंग क्रोमोसोम या क्रोमोसोमल मटीरियल. ओके, यू विल हैव द क्रोमोसोमल मटीरियल राइट हियर, यू कैन अगेन, ये दिस, ऐसे यहां पे आपका सारा क्रोमोसोमल मटीरियल फैला पड़ा है. देन यू विल हैव अ नेक, यू हैव अ स्लाइटली दैट स्ट्रक्चर. Like that,
So this structure is known as, you can have those soft protrusions. Like that, this is called a neck. जैसे आपका सर होता है और फिर उसके slightly अंदर की तरफ जाके बाहर की तरफ यूं करके यूं निकलता है. So in the same manner, the sperm is also have neck. The center body you called it as the middle piece. Okay, these cross-like structures, this. These are known as mitochondria, the powerhouse of the cell, because mitochondria will be releasing energy. अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत क्यों है वो भी इतनी भारी मात्रा में, कौन बताएगा, जल्दी बता दो. स्पर्म्स क्या करते हैं? द स्पर्म्स विल स्विम. ठीक है, सो एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग कहां से मिलता है? दैट इज द मिडल पीस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू विल हैव द टेल. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. सो व्हाट यू विल हैव इफ वी विल गो गॉट टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. बच्चे, तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स यू हैव नेक. From the starting, let's start with the plasma membrane. ठीक है, plasma membrane होती है. Plasma membrane is the outer covering. ठीक है, then you'll have agrosome. Agrosome is your cap-like structure. Okay. Then you have बच्चे nucleus. Then you have neck, then you have mitochondria, then you have middle piece. Okay. Then you have tail. So let's discuss what are the, so the composition of cells are like 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 structures. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 structures mainly. ठीक है, सो अगर मैं एक को डिफाइन करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एनवेलप ऑफ एनवेलप the whole body, envelope on the whole body of sperm. Okay, you can see the diagram, this. Yeah, I'll mark it with a new pen. ठीक है, तो ये दोनों आपके हो गए. दिस द पिंक, द डार्क पिंक इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द एनवेलप ऑन द होल बॉडी ऑफ स्पर्म. ओके, नेक्स्ट, द स्पर्म हेड कंटेन्स the sperm head contains an
elongation for, you can set containing haploid न्यूक्लियस. बच्चे जो हमने ग्रे कलर का एग्रोसोम में कैप लाइक स्ट्रक्चर मार्क किया था या लेबल किया था, सो दिस इज कॉल्ड द हेड एलोंगेशन कंटेनिंग द हैप्लॉइड न्यूक्लियस, द एंटीरियर पोर्शन, द एंटीरियर पोर्शन विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एग्रोसोम. सो अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूँ एग्रोसोम को, so agrosome is a cap-like structure, ठीक है, which is present on the head of the sperm, ठीक है. you have clearly mentioned like that, the sperm head contains an elongation of haploid nucleus, the interior portion of which is covered by a cap-like structure, agrosome. जो ये slightly तो चोंच सी निकली हुई है बाहर की तरफ हेड पे, राउंड हेड पे जो एक चोंच सी मुकुट सा लगा हुआ है उसको आप एग्रोसोम कहेंगे, जो कि इन द साइंटिफिक टर्म इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर जिस पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ठीक है. अब इसमें क्या है, एक्रोम इज फिल्ड विद एंजाइम, ये इसके अंदर वो एंजाइम है. अब जो फीमेल्स के ओव्यूम्स होते हैं उसको फर्टिलाइज करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट कहाँ पे हैं, इस चोंच के पास जो ऐसी निकली हुई है स्पर्म के पास. इट इज लाइक दैट ओनली, ठीक है. तो जो ये चोंच है एक तरह से दिस इज कॉल्ड एग्रोसोम. सो द एंजाइम फिल्ड द ग्रे कलर द फिल्ड विद द एंजाइम यूज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ठीक है. अब बात करते हैं मिडल पीस की. मिडल पीस की बात करते हैं तो बच्चे जो मिडल पीस की अगर मैं बात कर रही हूं, ओके, नेक्स्ट टॉक्ड अबाउट द मिडल पीस. इसकी बात करते हैं, ठीक है. तो जो ये बच्चे मिडल पीस है, द मिडल पीस पोजेसिंग या यू कैन से हैविंग मेनी या न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें, ठीक है. Reduce function क्या है इसका, reduce energy for movement of tail and facilitate या helpful for स्पर्म मोटिलिटी. मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, और मूवमेंट कौन सी होती है, दे स्विम, ठीक है. मोटिलिटी असेंशियल, जब तक वो आफ्टर इजैक्युलेशन आफ्टर इंटरकोर्स अंदर जाके फर्टिलाइज नहीं करेंगे, जब तक ओव्यूम तक नहीं पहुंचेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं स्टार्ट होगा. सो मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म्स, दे हैव टू स्विम कंटिन्यूअसली, ओके, फर्टिलाइजेशन. द अब बात आती है एक इंपॉर्टेंट नोट, ह्यूमन मेल इजैक्युलेट्स अबाउट 200 200 to 300, that is in millions of sperms during coitus
coitus bacche is called the sexual intercourse. Okay, during the process called coitus, of which normally fertility percentage is equal to 60% of sperms. Yeah, you can call that normal fertile sperms are 60% must have normal शेप साइज. अब अगर कोई मशीनरी में सामान बन रहा है फैक्ट्रीज में तो जरूरी तो नहीं ना सारा सामान होता है. एक हम चीज बोल देते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इसमें भी आ सकती है. और हम लोग 40% स्पर्म्स का रेशियो ये मान के चल सकते हैं कि दे आर नॉर्मल साइज and they have good vigorous fertility. ठीक है, दो टाइप्स के स्पर्म्स बनते हैं. इससे आपको ये पता चला कि दो टाइप्स के स्पर्म्स हम लोग रेशियो में लेते हैं. 60% स्पर्म्स तो ऐसे होंगे जो का जिनका शेप और साइज एक्यूरेट होगा और फर्टाइल होंगे, और 40% स्पर्म्स ऐसे होंगे जो विगरसली स्विम करेंगे. ठीक है, अब जरूरी नहीं है अगर इनसे नहीं हो पाया तो क्या पता ये फर्टिलाइज हो जाए. अगर इनमें कुछ स्पर्म्स में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आते हैं तो क्या पता ये फर्टाइल कर दे. सो द बोथ केसेस आर प्रेजेंट. बेसिकली दे वांटेड टू टेल यू दिस थिंग. ठीक है, अब हम प्रोसेस करेंगे कि ड्यूरिंग व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड कोइटस की हाउ द प्रोसेस अकर्ड. ठीक है, जो बच्चे स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, स्पर्म्स रिलीज्ड कहां से होते हैं, रिलीज फ्रॉम सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स. कहां पर लेके जाए जाते हैं, आर डायरेक्टेड या यू कैन से ट्रांसपोर्टेड. कहां चले जाते हैं, transported by, you can rather add, seminiferous duct. Seminiferous duct and secretions of epididymis and vasa deferens and seminal vesicle plasma, seminal vesicle and prostate. Are essential for motility and maturation of sperm. ठीक है, अब ये जो secretions होती हैं, जो seminal vesicle fluid, seminal fluid में present होती है, plus इनके अंदर sperms. ठीक है, प्लस इनके अंदर स्पर्म्स को, इसको बोलते हैं सीमेन. क्या बोलते हैं, सीमेन. इनको बोलते हैं सीमेन. तो बच्चों देखो प्रोसेस क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स और द सेक्सुअल कोइटस. ओके,
द स्पर्म्स आर रिलीज और द डायरेक्टेड टू द सेमिनर वेसिकल फ्यूट्स. ठीक है, सेमिनल फेरस ट्यूब्यूल्स एट द वॉल्स द स्पर्मेटिड्स आर प्रेजेंट. और सेमिनल फेरस ट्यूब्यूल से ये निकलते हैं. ठीक है, दे आर डायरेक्टेड और इनके पास जो एक डक्ट्स होते हैं, देर आर फाइव टाइप्स ऑफ डक्ट प्रेजेंट इन द मेल्स. ठीक है, एंड द डक्ट्स आर सेमिनल फेरस डक्ट. ठीक है, उनके जो डक्ट्स होते हैं उनके अंदर वासा डेफरेंस भी प्रेजेंट होती है. वी हैव द एपिडिडमिस टू एंड द सेमिनल वेसिकल डक्ट्स टू. ठीक है, इनका जो भी सिक्रीशन होता है, फॉर एग्जाम्पल द फ्रुक्टोस सिक्रीशन, द ओलिगोसैकेराइड सिक्रीशन एंड विच इज देयर, दीज सिक्रीशन बेसिकली विल मेंटेन द मोटिलिटी एंड द वायबिलिटी ऑफ स्पर्म्स इन साइड द मदर्स यूट्रस. ठीक है, उसके लिए ताकि स्पर्म्स की वायबिलिटी पीरियड ना डिक्रीज हो फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि स्कॉटम इज प्रेजेंट आउटसाइड द मेल बॉडी. वाई इट इज सो, बिकॉज द फैक्ट दैट स्पर्म्स कांट एग्जिस्ट, स्पर्म्स कांट एग्जिस्ट इन द टेम्परेचर विच इज सुटेबल फॉर द ह्यूमन बॉडी. हमारा टेम्परेचर कितना होता है, 98 डिग्री फेरनहाइट. तो उतना टेम्परेचर स्पर्म्स के प्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो नहीं सकता. ठीक है, तो उसके लिए द स्क्रॉटम इज आउटसाइड द मेल्स बॉडी. ताकि वो कितना टेम्परेचर होता है उसका, अराउंड 1 डिग्री टू 2 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है विच इज नेसेसरी. अब मदर्स के अंदर का टेम्परेचर भी ह्यूमन टेम्परेचर, दैट इज 98 डिग्री फेरनहाइट है, विच इज नॉट सुटेबल फॉर द स्पर्म. तो ये जो सिक्रीशंस निकलती हैं फॉर द एपिडिडमिस, फॉर द वासा डेफरेंस, फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड, फॉर बुल्बुलेथरम, फॉर द लुब्रिकेटिंग, ये सारी सिक्रीशंस मेंटेन करती है स्पर्म्स की मोर्टैलिटी. दूसरी चीज मेंटेन करती है वायबिलिटी इन साइड द, ये स्पर्म्स का, स्पर्म्स को डीजनरेट नहीं होने देती. ठीक है, एक एक 2 से 3, 10 दिन तक के लिए, 6 दिन तक के लिए ये स्पर्म्स को डीजनरेट नहीं होने देती. एंड दे विल मेक श्योर कि जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो किसी हाल में हो. ठीक है, सो स्पर्म्स रिलीज होते हैं सेमिनल फेरस ट्यूब्यूल से, उस प्रोसेस को कह देते हैं स्पर्मिएशन. रिलीज फ्रॉम द सेमी फेरस ट्यूब्यूल्स एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द डक्ट्स कॉल्ड सेमिनल फेरस डक्ट्स, सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडमिस, वैसा डेफरेंस, रास्ते में जो इनके जो ये जितने भी हैं इनके सिक्रीशन स्पर्म्स के वे में मिक्सअप होती जाती है. एंड प्रोस्टेट्स आर एसेंशियल फॉर द मोर्टैलिटी एंड द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स. एक चीज इसमें लास्ट में और आ जाती है. अच्छा, ये जितनी भी सिक्रीशन विद इन द स्पर्म्स जब ये इजैकुलेट होते हैं वो सबको बोल देते हैं सीमेन. द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स. ठीक है, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स का एंड ग्लैंड्स का मेंटेन्ड बाय द टेस्टिस. ठीक है, टेस्टिस को मेंटेन, ये सारा मेंटेन करती है टेस्टिस. ठीक है, योर यू कैन कॉल्ड इट एज, ठीक है, जितना भी ये एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल्स के पास, कौन से हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स. ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, एपिडिडमिस, वासा डेफरेंस. ठीक है, आपके स्क्रॉटम, ये जितने भी हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा इनको मेंटेन. ठीक है, इनको मेंटेन द एक्सेसरी डक्ट्स एंड द ग्लैंड्स. द एक्सेसरी ग्लैंड्स या द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिक्यूलर हार्मोन्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, दैट इज एंड्रोजन. जो जेनाइटल मेल के सेक्स ऑर्गन्स हैं लाइक पीनिस, ठीक है, स्क्रॉटम, उनका शेप, साइज, ये सारा यही हार्मोन, दैट इज योर एंड्रोजन हार्मोन विल बी लुकेड. ठीक है, ये सारा टेक केयर करता है जेनिटल ऑर्गन का मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, स्क्रॉटम का शेप एंड साइज, द पीनिस शेप एंड साइज विल बी मेंटेन बाय द हार्मोन एंड्रोजन. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन मेल सेक, मेल स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है,
स्पर्माटोजेनेसिस, यू कैन कॉल्ड इट एज द गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस, कि मेल्स के अंदर, ह्यूमन मेल्स के अंदर हाउ द प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस आकर, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आ जाता है कि स्ट्रक्चर बताओ स्पर्म का, तो आप स्ट्रक्चर बताएंगे स्पर्म का विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम विच इज देयर ऑन द पेज नंबर 48। उसके साथ स्पर्म्स की, स्पर्म से रिलेटेड ये सारी बातें आनी है कि हाउ द सेक्सुअल इंटरक्रोस प्रोसेस, व्हाट इज द सिक्रीशन कॉल्ड, क्या होता है, कहाँ से डक्ट आती हैं। दूसरा, पूरा स्पर्म का हेड, एग्रोसोम, मिडल पीस, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे फॉर द 5 मार्क्स क्वेश्चन और फॉर द 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। अगर प्रोसेस आ जाता है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मेल गेमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस को समझाओ, तब आप ये सब नहीं लिखेंगे, ठीक है। तब सिर्फ आप उतना एक्सप्लेन करेंगे, एक फ्लो चार्ट, एक वो वाला डायग्राम, और देन आपका ये कि प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे फॉर्म होते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद क्या होता है, सिंपल, ठीक है। ये पूरा नहीं लिखना है, दिस इज नॉट इन दैट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गेमेटोजेनेसिस ऑफ फीमेल्स, गेमेटोजेनेसिस ऑफ फीमेल्स। अब हमने अगर बात करी थी, हम लोगों ने बात करी थी कि इन केस ऑफ मेल्स द प्राइमरी, द स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, द इमेच्योर जर्म सेल, ठीक है, वो जैसे हम लोगों ने जब बात करी थी, जब जायगोट फॉर्म होता है, फिर 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज और एक वो वाले कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, टोटिपोटेंट सेल्स, दैट इज मेसेनकाइमल सेल्स। तो ये बच्चे मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं, दे हैव द पोटेंसी, दे हैव द टेंडेंसी, दे हैव द पोटेंशियल कैपेबिलिटी कि किसी भी सेल का, किसी भी स्ट्रक्चर का ऑर्गन, उसका सेल बनाने में कैपेबल होता है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं ये बात करती हूँ स्पर्मेटोगोनिया, तो स्पर्मेटोगोनिया आर द जर्म सेल्स विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हाट, स्पर्म्स, ठीक है। इन द सेम मैनर, अब जो ये जर्म सेल्स होते हैं, ये जो आपके इंट्रायूटरन लाइफ होती है इन द मदर्स वूम, तो जब ये स्टार्ट प्रोसेस हो जाता है, तब जब अगर मेल है, अगर मेल फीटस है, तो मेल में ये जो जर्म सेल्स हैं, ये बिल्कुल वैसे के वैसे मेसेनकाइमल से जस्ट स्पर्मेटोगोनिया में थोड़ा सा उनका प्रोडक्शन, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एंड इट विल बी स्टॉप एंड इट विल बी डन एट द टाइम ऑफ पबर्टी, पबर्टी के टाइम पे 10 to 12 years में, या एट द टाइम ऑफ टीनेज, ये सारा स्टार्ट होता है। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, तो फीमेल्स में बच्चे क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल या ओसाइट्स होते हैं, ठीक है, ये जो जर्म सेल्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, जर्म सेल्स जो होते हैं, या हम लोग फीमेल्स में अगर बात करते हैं तो फॉलिकल में बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं, और ये जो फॉलिकल्स होते हैं, या फॉलिकल्स बोलते हैं, ये एट द मदर यूम्स बहुत सारे अराउंड 60 to 70,000 तक बन के तैयार हो जाते हैं, सॉरी, ठीक है। तो गेमेटोजेनेसिस ऑफ फीमेल की बात करूं, तो फीमेल्स में बच्चे क्या होता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, वूम का जो लाइम टाइम होता है, जब बच्चा, जब अगर गर्ल फीटस या गर्ल चाइल्ड का डेवलपमेंट चल रहा होता है इन दैट कोर्स ऑफ 9 months, तब जो ये हार्मोन, तब ये जो फॉलिकल्स होते हैं, ये अराउंड 60 to 80,000, और यू कैन कॉल इट देम लैक्स तक, यू कैन काउंट देम, ठीक है, लैक्स तक ये लोग, ये प्राइमरी फॉलिकल्स वर फॉर्म्ड, ठीक है, लैक्स तक प्राइमरी फॉलिकल्स फॉर्म्ड होके रुक जाते हैं, ठीक है। अब रुक जाते हैं उसका मतलब है आगे ये डेवलप नहीं होते। अब ये कब डेवलप होते हैं, जब मैच्योरिटी की टाइम आ जाती है या पुबर्टी का टाइम आ जाता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, द प्रोसेस
60 to 80,000 होता है, ठीक है, लाख्स के अंदर, और 1 लाख तक करीब ये रेशियो चला जाता है. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड द फर्दर गेमिटोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ स्पर्म एंड द सेक्चुअल इंटरकोर्स पार्ट. ओके, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द गेमिटोजेनेसिस फॉर द फीमेल्स. ओके, so we'll meet in the next session. Till then you're going to revise everything that we have taught and we started in the today's session. So I'll see you in the next session.